माई नेम इज नीलम शंकर समूखे. आई एम द पेरेंट ऑफ ग्रेड 3 चाइल्ड दक्ष शंकर समूखे. बीइंग अ पेरेंट आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ रियली वेरी गुड स्कूल जहाँ पे मेरे बच्चे को अलॉन्ग विद द मॉरल वैल्यूज ट्रेडिशनल वैल्यू भी सिखाए जाएंगे. जैसे कि अभी अलॉन्ग विद द बुकिश नॉलेज और आई कैन से द एजुकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट दे गेट द वैल्यूज विच विल हेल्प देम टू गो अहेड इन द लाइफ. After knowing from my friend about the school, I visited the website. The curious part on the website was that it is mentioned that they give the Bhagavad Gita teaching, which made me very excited, and I visited the school. And there I came to know about the entire program which they provide in the school along with the teaching of Bhagavad Gita, which you will find rarely provided by any school, and which was really, really very important for me that my child should get this knowledge and he should learn more about it. Bhagavad Gita is the Holy Grail which sources all the values and morals in it. In Srimati L.V. Joshi, यही चीज़ें हैं जो सारी curriculum में add on की जाती है and बच्चों को वो सारे values and morals सिखाए जाते हैं जो अभी के generation के लिए बहुत ज़्यादा important है. Srimati L.V. Joshi School में Bhagavad Gita सिखाने का बहुत ही simple तरीका है. यहाँ पे एक teacher dedicated है Bhagavad Gita को जो 7 days continue एक श्लोक सिखाती है. टंग भी कम्प्लीटली क्लियर होती है वो श्लोका सीखने के लिए एंड फिर वही बच्चे जो है आगे वो श्लोका पास ऑन करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को. सो दिस इज़ एन वेरी गुड नॉलेज विच इज़ पासिंग ऑन एंड किड्स आर ऑल्सो लर्निंग हाउ टू शेयर द नॉलेज. बच्चों को भगवद गीता स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है. स्टार्टिंग में भगवद गीता उनको वो रीड करवाते हैं, क्लासरूम में डिस्कस करवाते हैं. वो मेक श्योर करते हैं कि उनको वो हर एक पॉइंट समझ में आए हैं और वो डेली बेसिस अपने लाइफ में वो पॉइंट यूज़ करें. रीडिंग एंड डिस्कशन के साथ साथ स्कूल में ड्रामा भी प्ले किया जाता है. ड्रामा के अंदर बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो अपने हिसाब से एक एक कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो उनको दिया जाता है वो कैरेक्टर. आफ्टर प्लेइंग दैट कैरेक्टर बच्चे उसमें से जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं वो अपने में इनकॉर्पोरेट करते हैं और डेली लाइफ में वो यूज़ करते हैं. अलॉन्ग विद द सेलिब्रेशन ऑफ ऑल अदर फेस्टिवल, गीता जयंती भी स्कूल में सेलिब्रेट की जाती है जहाँ पे आपको स्टार्ट टू एंड भगवद गीता के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, जिसके वजह से बच्चों की भगवद गीता की नॉलेज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. अलॉन्ग विद को करिकुलर एक्टिविटी इन श्रीमती L.V. जोशी स्कूल, टीचर्स मेक श्योर दैट दे आर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन श्लोका कॉम्पिटिशन्स. ऐसे ही एक कॉम्पिटिशन में मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल एंड दे इवन वन द कॉम्पिटिशन. ड्यूरिंग दिस कॉम्पिटिशन दे अंडरस्टूड वॉट इज टीम वर्क एंड हाउ टू चैंट द श्लोका इन द प्रॉपर वे, विच रियली मेड मी फील वेरी प्राउड. थ्रू द टीचिंग ऑफ भगवद गीता स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वैल्यूज, मॉरल, सेल्फ डिसिप्लिन, गिव एंड टेक एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रिशिएट थिंग्स. यही सारी चीज़ें मैंने मेरे बच्चे में देखी. आफ्टर टेकिंग द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता वो मॉर्निंग में उठ के पूजा करता है, श्लोका चैंट करता है. ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट एवरीवन, छोटे से लेके बड़े तक सबको कैसे रिस्पेक्ट की जाती है ही नोज दैट. ही अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ पेट्स, वो बाहर जाके पेट्स की भी केयर लेता है. इस तरीके से मैंने उसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखे हैं. ही इज़ वेरी काम नाउ. सो दिस क्रेडिट एंटायरली गोज टू द स्कूल वेर दे हैव इनकलकेटेड सच अ वेरी गुड वैल्यूज इन माई चाइल्ड. बींग अ वर्किंग पेरेंट इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव टाइम टू माई चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यूज. ये सारी चीज़ें मुझे मिली है थ्रू श्रीमती L.V. जोशी स्कूल, जिन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टू मेक श्योर दैट अलॉन्ग विद स्टडीज दे आर पुटिंग वैल्यूज इन द चाइल्ड. इसके वजह से मैं कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हूँ कि मेरा बच्चा इज़ कम्प्लीटली ऑन हिज ओन एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट. आई एम प्राउड पेरेंट ऑफ श्रीमती L.V. जोशी स्कूल एंड आई वुड रिकमेंड दिस स्कूल टू अदर पेरेंट्स एज वेल.